ठीक के बेपर है असा मारे होए दर है असा ठीक के बे ना। उसके अंदर इसने डाल दिया है चाय थोड़ी सी, चलो खा लो। कुछ भी नहीं लेना नहीं। चलो बोला जाओ। तीन लोटे भले हुए हाँ, बहुत सारी बात। आखिरी भैया ने नाश्ता कर लिया है, मैंने अभी जो है नाश्ता नहीं किया, बना कर बैठी अकेले अकेले कर दिया, मुझे सलाह नहीं मारी। हाँ पराठा बनाया। हाँ जी, कोई पैंट शर्ट वगैरह इस्त्री की हुई या कोई कपड़े वगैरह इस्त्री किए हुए अगर हूँ तो नहाने की है। फिर इसको काट रहे हो फिर नीचे। वालेकुम जी प्यारे बहन भाई, पहुँच गया हूँ। वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें फूलों की तरह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, घर में बच्चे भी सब ठीक ठाक हैं। तो अल्लाह पाक से दुआ करते हैं, जो बे औलाद हैं अल्लाह पाक उसे नेक औलाद दे, जो बीमार हैं अल्लाह पाक उसे शिफा दे, जो रिज़्क़ की तंगी में है अल्लाह पाक उसे रिज़्क़ हक ला, रिज़्क़ कमाने की तौफीक दे और उसके रिज़्क़ में बरकत डाले। और जो भी मेरे तमाम बहन भाई देखने वाले सुनने वाले परेशान हैं, मुसीबत में हैं, कोई भी परेशानी अल्लाह पाक उसकी हर परेशानी मुसीबतें दूर फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। तो इस दुआ के साथ हमारा हल ब्लॉग होता है शुरू, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, हमारी सुबह की रूटीन हो गया शुरू। तो छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट होती है कि देखने वाले, चाहने वाले, सुनने वाले, जो मेरे बहन भाई न्यू हैं, मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। वीडियो जो है वो फॉलो वॉच करनी है। तो रहना है हमारे साथ, अभी चलते हैं अपने चूल्हे की तरफ, वहाँ पर देखते हैं। तो बच्चे भी बैठे हैं, बच्चों से भी मुलाकात करवाते हैं और भी कुछ आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये हमारी कल की पड़ी हैं गाजरें, अभी इसका भी कुछ हाल करते हैं, इसको भी बनाते हैं। सबसे पहले जो है बच्चों का नाश्ता होता है, चाय होती है, क्योंकि बच्चे जाते हैं स्कूल, तो स्कूल के लिए लेट ना हो जाए। हाँ जी, क्या चाहिए एहसान? ये ले, ये नहीं लेना, ये वाली, ये ले। चलो आ जाओ, ठंडी है, आ इधर आ जाओ, चाय देखें। नहीं वो तो गर्म है, उसको बोला नहीं है कि जल जाओगे। तो यहाँ जी मम्मा उठा के वो हमारी चाय नहीं पाती, मैं कप उठा के खाला का पीट ले। चलो ले आओ। अभी यहाँ पर देखो हैदर अली को, एहसान को इधर ले आना बेटा। हैदर अली गिर जाओगे, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, नीचे गिर जाओगे। बच्चे जो है सब नाश्ता खा रहे हैं। वो हैदर अली भी नाश्ते के लिए ला रहा है। बख्तावर बेटा थोड़ा सा दे दो हैदर अली को, वो देखो गिर जाएगा। नहीं अभी तो हमारी चाय भी नहीं बनी है। टाइम भी ऊपर थोड़ा रहेगा। हाँ सर्दियों का टाइम होता है ना, तो ऐसे जाता है जैसे पता नहीं क्या पार लगे हुए। नूर मोहम्मद, ओए ये क्यों आपकी मूछे आ गई। हाँ मूछे बन गया नूर मोहम्मद की, मूछों वाला बाबा बन गया है। हाँ जी जी, इसकी जुराबे हाँ वो तार पर देखो, ये क्या, इस जगह की चार पाई कहाँ गई, गाड़ी के अंदर। चार पाई भी डाल दी गाड़ी के अंदर। हाँ, वो गाड़ी, वो चार पाई तो गाड़ी के अंदर नहीं गई। हाँ, जो चार पाई के ऊपर सोने वाला होता है वो गाड़ी। हाँ के, क्योंकि अहमद भाई के यहाँ जो है काम हो रहा था, तो जगह नहीं थी, गाड़ी जो थी यहाँ पर खड़ा दी थी ना, बाहर खड़ी थी। असलम खान जो है गाड़ी के अंदर सो गया, क्योंकि हमारे विलेज में जो है हालात ठीक नहीं है,
तो इसलिए आपने सेफ्टी के लिए, वो गीली है, गीली है हाँ जी। तो और दूसरी वहाँ पर ऊपर खड़ी है, वो विंडो के ऊपर। चलो ठीक है, आप भी खाना बना लो, मैं भी बना लो, बना ले जल्दी जल्दी, बच्चे लेट ना हो जाए। हाँ बीबी कह रही है हमारी चाय नहीं बनी तो मैं खाला से ना दूध लेना है। है आपके पास दूध? हाँ है, ले आए कप दे देती हूँ। चलो बेटा कप उठा लो, खाला के पास दूध है। क्या लेना है? दूध लेना है। चलो हाँ हाँ मम्मा मम्मा जी 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 क्या करें? चाय जो है हमारी रेडी हो चुकी है, ये देखें खालिस दूध वाली चाय माशाल्लाह। जिसने पीनी है तो आके हमारे साथ पी सकते हैं। और ढोलू ये भी अपनी चाय, हाँ जो खाला से ये दूध लेकर आई थी ना उसके अंदर इसने डाल दिया है चाय थोड़ी सी। चलो खा लो आप। आज ना हमने उनके रोज रोज, हाँ दुकान भी बंद थी। अभी जो है ना दिन को बहुत गर्मी होती है और रात को होती है ठंड, तो इसलिए ना डेली के अंडे खाने से बच्चों नहीं हुई, तो एक दिन लेते हैं और एक दिन नहीं लेते। बेटा क्या कर रही हो? ये मेहरान गिर जाएगी, गंदी हो जाएगी। चलो इसको रख दो, तो अपना अपना काम न बेड़ो, अपना अपना काम न बेड़ो। चलो जल्दी करो। जैनब आपने कंघा भी अभी लगाना है, जल्दी करो ना। गिरा दिया ना, इसको धो के अच्छी तरह से साफ करके ले आओ, ठीक है? धोया हुआ है कपड़ा मारा है, वो ऊपर के वो पत्ते हैं। अच्छा जी, आप रेडी हो गए हैं? हाँ जी। ये लो पापा। बेबी भैया को दो, भैया को दो, उन्हें ना स्कूल जाना है, उनको देर हो रही है, एक और दे दो है। काफी है? हाँ जी। चलो सीधे हो जाओ। मैं आपको, हाँ मेहरान जैनब जी तैयारी होगी आपकी? हाँ जी। आपने अपना बैग में सामान वगैरह चेक किया? मेरी पेंसिल लेनी है। आपकी पेंसिल? अभी बहुत बढ़ गया। अच्छा जी, और क्या लेना है? और कुछ नहीं। कुछ भी नहीं लेना? नहीं। चलो बोला जाओ। आपने कहा है कुछ नहीं लेना। हाँ, चीज के पैसे हो। यहाँ से ना निकालो। हाजरा आप भी रेडी हो गई हो? आपकी पानी वाली बोतल कहाँ है? लेके आएगा। चलो दुपट्टा सीधा कर लो, ठंड है ना, ठंड लग जाएगी फिर आपको। आपने ना हाईनेक पहनी है ना जर्सी पहनी है, ठंड लग जाएगी फिर बीमार हो जाओगे। निकाल लो जितनी निकालने हैं। ये 50 रुपए उठाए हैं, 20 की पेंसिल, 10 का शॉप, 10-20 के 10 मेरे। चलो ठीक हो गया। वो मेरा टिफिन भी, वो नहीं गुम हो गया, वो भी धोने और वो जो मेरी गीत वो है अजलसी, उसे भी वो सभी वो आ गया। अच्छा वर्दी में? चलो वर्दी आपकी ना रेडी कर दूंगी, ठीक है? चलो बुलाओ, बख्तावर वाले कहाँ है? चलो बेटा चलो, लेट हो रही है। बख्तावर आ जाओ। बाय बाय बाय, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। क्या खा लिया?
बेटा आपके लिए ना रोटी बना रही हूँ। मम्मा भी रोटी, मम्मा तीन अभी तीन लोटे भले हुए। हाँ बहुत सारी, बस आखिरी रोटी है जो अभी तवे पे डाल दिया है मैंने और बाकी जो बना दी। चलो रेडी हो गया। हाँ रेडी हो गया, पहले ना चाय बनाई थी और बच्चों को खिलाया है, सब बच्चे जो है चले गए स्कूल और आपके भैया और आपकी आपी के लिए भी रोटी बनाई, वो भी उसको टिफिन में डाल के दिया है। हैदर अली भी रो रहा है, हैदर हाला को बोलो ना। हाला हैदर क्या कहता है? हैदर कहता है मुझे उठाओ, अब मैं तो रोटी बना रही हूँ, अब उसे कैसे मैं उठाऊँ? रोटी बना लूंगी तो उसे उठाऊंगी ना। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हैं आप ठीक ठाक होंगे। जो है मेरी बन चुकी है, सब सामान वगैरह भी बिखरा पड़ा है ये आप देख सकते हैं, और खाने वाला जो है कोई भी नहीं है, अकेली मैं बैठी हूँ, इंतजार कर रही हूँ जब खाने वाले आएंगे तो फिर खाना खिलाएंगे। अभी जो है नाश्ता कर रहे हैं तो अम्मी जो बैठी हुई है तो भैया सुल्तान भी बैठा हुआ है, नाश्ता कर लिया है, धूप लगा रहे हैं। आपके भैया ने नाश्ता कर लिया है, मैंने अभी जो है नाश्ता नहीं किया, बना कर बैठी हूँ। हाँ जी, तो जब भूख लगेगी फिर खाएंगे, तो आप भी बिस्मिल्लाह करें खाएं। हाँ जी मैं तो खा रहा हूँ, बहन भाइयों को भी खिलाएं ना। तो प्यारे बहन भाइयों अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो मैं भी ठीक नहीं हूँ, ठीक नहीं हूँ। तो आप लोगों ने दुआ करनी है मेरे लिए, तो मेरी तबीयत बहुत सारा खराब है, रात में मुझे टेम्परेचर था बहुत ज्यादा, तो मेरी आवाज़ से भी पता चल रहा होगा आपको, आप लोगों ने दुआ करनी है मेरे लिए, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, किसने खाना है तो हमारे साथ नाश्ता कर सकता है, तो हम जो है कर रहे हैं, फिर नाश्ता करेंगे, फिर चाय पियेंगे, फिर जो भी काम होगा आपके पास। चला जी, चाचा अफजल भी आ चुके हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। तभी से फियत फिट है? फिट है। नाश्ता कर लिया है? हाँ जी। चलो सही है, आप अकेले कर लिया, मुझे सलाद नहीं। पराठा पराठा रोका हुआ है मुझे। हाँ जी मैं थोड़ा बहुत खा लेता हूँ बस, ज्यादा मोटा हो जाएगा। ज्यादा मोटा हो जाता है, सूखी रोटी खाते हैं। हाँ जी मैं नहीं खाता पराठा, जुकाम कर देता है मुझे। हाँ जी मैंने थोड़ा सा खाया है बस। हाँ जी चाचो आप सुनाए, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक। कार में मजा आया? कार में ऐसे मजा आता है जैसे जहाज में आता है। हाँ जी हाँ जी, सुबह सुबह इसमें गाड़ी को पानी लगा के ना। हाँ जी सफाई करके उधर रेडी कर दिया, रेडी कर गए। हाँ जी अभी हम जाएंगे सैर करने, सैर करने जाएंगे। अच्छा मौजम खान को भी साथ लेकर जाया करो क्योंकि ये भी सैर कर लेना, इसीलिए तो पूछता है गाड़ी में मजा आता है कि नहीं आता। ये भी साथ, मैं साथ होता हूँ। साथ होते हो? हाँ जी। जनाब, जनाब मैडम साहब एक गुजारिश है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, नौकर ताबेदार बोले बोले, खामोश क्यों हो गए? आज आपकी बोलती बंद है। हुक्म करें बोले ना, हुक्म करें। चलो जनाब हुक्म कर दे, कर दे हुक्म। कपड़े वगैरह? हाँ जी। कोई पैंट शर्ट वगैरह इस्त्री की हुई या कोई कपड़े वगैरह इस्त्री किए हुए अगर हूँ तो नहाने की है जो इरादा है जी जी, अच्छी बात है। कपड़े तो हमारे पास हैं लेकिन वगैरह जो है ये हमारे पास नहीं है। वगैरह ना तो खैर है, जरूर साइड पे करें। कपड़े हैं? हाँ जी हाँ जी हैं। कपड़े दे, ठीक है। क्या दे रही है? क्या दे रही है? कॉटन का सूट दे रही हूँ, कॉटन का सफेद वाला। नहीं नहीं आज क्या है, बुध? पता नहीं आज बुध है, ये पहनूंगा, दूसरा कोई जुमरात वो जुम्मे को सफेद कर, जुम्मा है ना, जुम्मे को फिर सफेद आ जाएगा। देखते हैं
चलो जैसा आपका दिल करे। कोई नहीं, एक की जेब नहीं है ना, जेब सिलाई करनी है ना। हाँ, चलो यूज नहीं करूंगा, बस पासपोर्ट पर लगा के वो जेब यूज कर लूंगा बस। चलो, ये मतलब तो नहीं है, इतनी बड़ा इशू तो नहीं है ना। हाँ, बड़ा इशू नहीं है, छोटा छोटा इशू है। छोटा छोटा इशू है। जो जेब जो फटी हुई है, मतलब जो सिलाई खत्म होगी उसकी, उसको यूज नहीं करने का। सही, बाकी जो वास्केट के और दूसरी जेब जो उसको इस्तेमाल करने का। ओके, हो गया। गुड गुड, यू आर दी वेरी गुड। माशाल्लाह, ये क्या कर रहे हैं आप? मजा मली नाखून, नाखून बड़े है ना। हाँ, फिर इसको काट रहा हूँ। फिर इसको काट रहे हो, फिर नीचे जूता भी नहीं पहना। अच्छा ठीक है, ये हो गया। फिर आगे भेज है, फिर नाना है। अच्छा, फिर तैयारी करनी है। अच्छा, फिर भेज है, काम करेंगे। क्या काम करेंगे? मैं आपको ना एक किताब लिख के दूंगा। इसकी ना जो फेर फेर है, ये आपको गेंद ले कर जाएगी। खत्म नहीं होगी, लेकिन पहले ही कह दो, किताब लिख के देता हूँ आपको। सही है, बिक्री वाली मिसाल आ गई। हाँ जी, हाँ जी, इधर नीचे फेर फेर ठीक है, फेर फेर तो रहा है, फिर तो रहा है। ये क्या खा रहा है? गंदे बच्चे, हाथ भी गंदे हैं, आप भी गंदे हो, फिर भी गाजर खा रहा है। नखरे दिखा दो, नखरे दिखा दो, नखरे। भूख लगी है, खा रहा है, नखरे नहीं दिखा रहा। भूख लगी है, खाने की पड़ी हुई है। हैदर यार, वो नसीर भाई ने फरमाइश की थी, और सिस्टर भी थी कोई, और ब्रादर भी था कोई, उन्होंने फरमाइश की थी कि अकरम खान के साथ में एक गाने की फरमाइश की थी कि अकरम साहब के शान के साथ बैठ के सुनाए, तो वो अकरम साहब को मैं बुला रहा हूँ, कब कभी आ रही रहा, बड़ा बिजी हो गया है, पता नहीं क्या नखरे आ गए हैं। वो आ गया, आ गया, आ गया, आ गया ही। भाई फ्रेश हो रहा था, सूट बूट पहन रहा था। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, सिक्योरिटी गार्ड है ना जी। लोक शॉप चेंज करनी पड़ती है भाई डेली, इसलिए तो 3-4 फूट लिए थे मैंने। बिल्कुल बिल्कुल सर, सर बैठे बैठे सर। सर फरमाइश। अस्सलाम वालेकुम जी प्यारे बहन भाई, अब पहुंच गया हूं। वो फरमाइश जो है आपको बताई थी कि नसीर भाई ने फरमाइश की थी, वो बहुत ही अच्छा गाना कह रहे हैं उस तरह की, जो है ठीक है, बेफार है, समाज करता रहता है, दोनों मिल के जो है गाएं तो हमें खुशी होगी इंशाल्लाह। उनकी फरमाइश पूरी करनी है, सुना देते हैं, बात शुरू करें। साथ उसके दौड़ा भी हो जाए, गजल भी हो, गजल काफी गजल। ठीक है, बेपर है असा, मारे हुए दर है असा, ठीक है, बेपर है असा, मारे हुए दर है असा, तू मने या न मने, मने या न मने, तेरे नौकर है असा, ठीक है, बेपर है असा, मारे हुए दर है असा, कौन थी दे है तेरे दर्द पी दे है तेरे, कौन थी दे है तेरे दर्द पी दे है तेरे, सीप सींदे है तेरे सिर दी चादर है असा, सीप सींदे है तेरे सिर दी चादर है असा, तू मने या न मने, मने या न मने, तेरे नौकर है असा, ठीक है, बेफर है असा, मारे हुए दर है असा, गाल पोवी जे पले अजवी है तेरे रले, गाल पोवी जे पले अजवी है तेरे रले, तेरे पेरे दे तले संग मर मर है असा, तेरे पेरे दे तले संग मर मर है असा, तू के बेपर है असा, मारे हुए दर है असा, कोई इरादा चकिता सखना वादा चरिता, कोई इरादा चकिता सखना वादा
चढ़ता रुख ज्यादा चढ़ता क्यों जो पत्थर है असा दुख दे पल है असा मारे हुए दर है असा मने या न मने मने या न मने तेरे नौकर है असा ठीक बेपल है असा मारे हुए दर है असा। ओके जी नसीर भाई ब्रादर और नसीर भाई की फैमिली तमाम भाई ब्रादर जिनको जिनकी फरमाइश थी उनको सुना दिया है और जिनको पसंद है वो हमें बताएं। हाँ अगर हमारी आवाज आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर दें जरूर कर दें जी बहुत बहुत जरूरत है इससे अच्छी वीडियो तो अभी होता है व्लॉग का एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद अल्लाह हाफिज़।